दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। चुनावी शंखनाद होने के बाद सभी योद्धा अपने अपने रणक्षेत्र में तैयारी में जुट गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको नालंदा के राजनीतिक गलियारों से बता रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर है, राजगीर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जी हाँ, महागठबंधन से वर्तमान जदयू के विधायक रवि ज्योति को टिकट दिया गया है। राजगीर विधानसभा क्षेत्र महागठबंधन में कांग्रेस को गया और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वर्तमान जदयू विधायक रवि ज्योति को बनाया है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के नालंदा जिले में यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में महागठबंधन ने बड़ा खेल खेला है और महागठबंधन में खासकर कांग्रेस ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा खेल खेला है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जदयू के वर्तमान विधायक रवि ज्योति को महागठबंधन से राजगीर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया। राजगीर विधानसभा क्रम संख्या 173 से वर्तमान विधायक जनता दल यूनाइटेड के रवि ज्योति को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2015 में रवि ज्योति जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़कर वर्तमान के विधायक, तत्कालीन विधायक जो थे वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को चुनाव हराया था। और 2015 में पहली चुनाव रवि ज्योति ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र से लड़ी थी और इस बार जनता दल यूनाइटेड ने रवि ज्योति को टिकट नहीं दिया तो महागठबंधन ने रवि ज्योति पर भरोसा जताया है। और बड़ी खबर नालंदा की राजनीतिक गलियारों से आ रही है, राजगीर विधानसभा क्षेत्र से रवि ज्योति को उम्मीदवार बनाया गया है। इतना ही नहीं, नालंदा विधानसभा क्षेत्र से गुंजन पटेल को महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, हम लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।